ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार, मोबाइल नंबर है 94 70 80 56 48। यहाँ पर सुबह में और संध्या काल में दोनों समय में योग सत्र चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को हम नियमित रूप से कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला अभ्यास जो शुरू किया जाता है जब योग क्लास में आते हैं, तो पहला क्लास में हम कौन से अभ्यास शुरू करते हैं उससे हम आज शुरुआत करते हैं। तो इसका नाम है जानु शीर्षासन। जानु मतलब होता है पैर और सिर मतलब सिर, यानी सिर को पैर में जब सटा लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है जानु शीर्षासन। अब इसमें दाहिना पैर खुला हुआ है आगे, बाएं पैर को मोड़े हुए हैं। अब दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़ना है, यदि पकड़ा जाए तो अति उत्तम, बहुत अच्छा। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथे को यानी ललाट को आप घुटने की तरफ ले जाइए और दोनों केहुनियों को जमीन की तरफ ले जाना है। अब इसकी शुरुआत कर दीजिए आप लोग, 25 बार गिन गिन के करेंगे, आराम आराम से करना है, बहुत आराम आराम से करेंगे आप लोग। करो बाबू, क्यों नहीं नीचे ले जाओ, एड़ी जांग में ले जा, जांग में सटाओ अंदर, दूसरा एड़ी हाँ खींचो, सटा दो माथा को, क्यों नहीं सटाओ जमीन में, सटाइए। जानु शीर्षासन का अभ्यास करने से पैर आपके सीधे हो जाएंगे, कभी आप कुबड़ नहीं रहिएगा, घुटना दर्द नहीं होगा। और साथ ही साथ जो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार उछल कूद करता है, उस बच्चे के लिए यह जानु शीर्षासन बहुत लाभकारी, दिमाग को भी मजबूत करने वाला यह अभ्यास है। जिन बच्चों का परीक्षा में नंबर कम आता है, यदि 90% से कम नंबर आवे तो इसका अभ्यास 25-25 बार आप दोनों टाइम करना शुरू कर दीजिए। अब पैर बदल लीजिए, पैर बदल कर और करिए इसका अभ्यास। जानु शीर्षासन का यह अभ्यास दोनों पैरों से बारी बारी हम कर लेते हैं, बहुत अच्छा, बच्चे भी लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अभ्यास हो रहा है। अब इसको रोक दीजिए। अब दूसरा अभ्यास है जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसमें क्या करते हैं कि दोनों पैरों को आगे खोल लेते हैं, दंडासन में बैठ जाते हैं, दोनों अंगूठा आपस में टच कर देते हैं, दोनों हाथ से पैर की उंगली को पकड़ते हैं और सांस भरते हुए नासिका या ललाट को घुटने के पास सटाने का प्रयास करते हैं, दोनों केहुनियाँ जमीन की तरफ जाएंगे। सटाओ बाबू, सटाओ बाबू, सटाइए, सटाइए। पहला ये नर्सरी का है क्लास, समझिए, योग का जो नर्सरी क्लास होता है, यानी पहला दिन जो व्यक्ति आते हैं उनको यही अभ्यास करवा करके उनके शरीर को लचीला बनाने की व्यवस्था है। और जब इस अभ्यास को करने लगते हैं तो बहुत सारे आसनों का यह एक तरह से शुरुआत हो जाती है इसी के द्वारा। अब अगले अभ्यास में क्या करना है कि आपको दंडासन में ही बैठे रहना है और दाहिने पैर के अंगूठे को या उंगली को पकड़ लीजिए और ऊपर की ओर उठाइए, धीरे से दोनों हाथ से पकड़िए और घुटना को सीधा करिए, बहुत सुंदर, देखिए कितना अच्छा अभ्यास हो रहा है। उस पैर से करिए, दाहिना पैर से, हाँ, जब हम सामूहिक रूप से करते हैं तो एक ही जैसा करते हैं और दाहिने पैर का अभ्यास हो रहा है। अंगूठा पकड़ना है बाबू, हाँ, टाइट करो, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हो बाबू, 7 में हो, क्या नाम है, कार्तिक, कार्तिक, देखिए कार्तिक जी नाम है, कितना बढ़िया नाम है,
और अब ये कार्तिक जी का पैर सीधा नहीं हो रहा है। कार्तिक जी बड़ी महारथी माने महापुरुष थे, क्योंकि बड़ी जंग वो जीतते थे, एक भी जंग हारे नहीं थे कार्तिकेय जी। पैर टाइट करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, लगे रहना है। हाँ, तो अब दूसरे पैर से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटी बच्ची है और बड़ी अच्छा अभ्यास कर लेती है, एकदम बहुत सुंदर। और ऊपर ले जाओ बेटा, यहाँ पकड़ो और ले जाओ, खींच के माथे में सटाओ, ले जाओ, बहुत सुंदर। पांच बार कर लो,